टेक्निकल और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल आशीष। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे NATS का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स, उसमें बदलाव किया गया है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि बदलाव क्या है और आप लोग क्या करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डॉक्यूमेंट को हमें करेक्शन कराने के लिए हमें वहाँ मेल करना होता है हर रीजन में। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग मेल करते थे तो जो मेल आईडी रहती थी वो ईस्टर्न रीजन की पहले थी फ्रेंड्स, अब वो बदल चुकी है। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि क्या है और क्या नहीं है फ्रेंड्स। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, अभी अप्रेंटिसशिप की कई वैकेंसी आई हैं तो आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए मेरे चैनल पे, मैं वीडियो वहाँ पे बना दिया है। तो चलिए आके देख लेते हैं फ्रेंड्स। आप लोग नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए दिया गया कॉन्ट्रैक्टर्स, तो आप कोई सा भी एक रीजन खोल लीजिए फ्रेंड्स, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स दिया गया। देखिए यहाँ पे एक जो मेल है आप लोगों का, ये साउथर्न रीजन का है, वेस्टर्न रीजन का है और ये ईस्टर्न रीजन का है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो ईस्टर्न रीजन का मेल आईडी दिया हुआ है, यानी कि ये जो मेल दिया हुआ है ये वाला फ्रेंड्स, ये जो मेल है वो चेंज हो चुका है। आप लोग इस पर मेल करिएगा तो आप लोगों का डॉक्यूमेंट करेक्शन नहीं होगा, जो कि एक बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आप लोगों के पास वो नया मेल क्या है, तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ जिससे आप लोगों के डाउट सारे क्लियर हो सकें। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, ये जो मेल आया है वो वहाँ से आया है, ईस्टर्न रीजन की तरफ से आया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया इन्फो बोट ER, यानी कि जो उस मेल पे आप मैसेज करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो करेक्शन नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा गया है फ्रेंड्स यहाँ पे कि डियर आल, दिस ईमेल इज़ नॉट बीइंग मॉनिटर्ड फॉर एनी टाइप ऑफ NATS पोर्टल रिलेटेड क्वेरीज, यानी कि कोई भी क्वेरीज है उसको ये मॉनिटर अभी नहीं कर रहा है। काइंडली कॉन्टेक्ट अस थ्रू द फॉलोइंग ईमेल आईडीज, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे बोला है कि आप लोग नीचे दिए गए जो ईमेल आईडी है उस पर आप लोग संपर्क करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया गया है कि इस्टेब्लिशमेंट या इंडस्ट्री के जो वो है वो अपनी क्वेरीज इस ईमेल आईडी पे भेजेंगे। तो ये कंपनी के लिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए तो है नहीं है। तो देखिए अब स्टूडेंट के लिए क्या दिया गया, स्टूडेंट मस्ट सेंड दियर क्वेरीज टू। देखिए यहाँ पे एक ईमेल आईडी, दो ईमेल आईडी और तीन ईमेल आईडी दिया गया है फ्रेंड्स, अलग अलग स्टेट को यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे पहले जो ईमेल आईडी है ts1.bopter और यहाँ पे @gmail.com फ्रेंड्स, ये जो दिया गया है ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी देखिए क्या दिया गया है कि अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल के जो स्टूडेंट हैं वो इस ईमेल आईडी पर मेल करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे TS2 वाला जो ईमेल आईडी यहाँ पे दिया गया है वो किस लिए दिया गया फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड और सिक्किम के जो स्टूडेंट हैं वो इस ईमेल आईडी पर मेल करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स जो TS3 वाला जो ईमेल आईडी दिया गया है फ्रेंड्स, वो देखिए स्टूडेंट क्या दिया गया है, आसाम, मणिपुर, नागालैंड और उड़ीसा के जो स्टूडेंट हैं वो इस ईमेल आईडी पे मेल करेंगे। तो आई थिंक दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आप लोग इस ईमेल आईडी को नोट करके रख लीजिए जिस भी रीजन में रहते हैं फ्रेंड्स, उस रीजन के लिए, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो पाए। तो चलिए फ्रेंड्स और नीचे देख लेते हैं क्या दिया गया है। नीचे कुछ ज़्यादा कुछ दिया ही नहीं गया है फ्रेंड्स, ये डिप्यूटी डायरेक्टर जो है उन्होंने यहाँ पर मेल किया था ईस्टर्न रीजन के, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ ऐसे मेल आया है जो करेक्शन नहीं करा पाए हैं, यानी कि उस ईमेल आईडी पे आप लोग मेल करिएगा तो उस ईमेल आईडी पे आप लोगों का करेक्शन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि क्या ईमेल आईडी यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स, यही एक बहुत बड़ा अपडेट है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं ईस्टर्न रीजन के, वो अगर देख रहे हैं फ्रेंड्स तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को यहाँ पे इस टाइप के आप लोगों को मेल करना होगा और आप लोग इस पे मेल करिएगा, आप लोगों का फटाक से करेक्शन जल्दी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आई थिंक आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और इस वीडियो में जो भी जानकारियाँ दिया गया है आप लोग उस जानकारी को फॉलो करिएगा और अपने डॉक्यूमेंट को करेक्शन करा लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।